खेत का कर लेते हैं क्योंकि बिहार में इस वक्त वो मौजूद है और वहां से जानकारी मिल रही है कि पप्पू यादव की पार्टी यानी कि जाप किस तरीके से प्रदर्शन कर रही है। साकेत जरा बताएं क्या कुछ अपडेट वहां से, क्या कह रहे हैं पप्पू यादव? देखिए बिल्कुल देखिए यहाँ पर देखिए पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और डाक बंगला चौराहे पर उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। काफ़ी संख्या में जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई है यहाँ पर और उसके बाद कई लोगों को पुलिस ने यहाँ से गिरफ्तार भी किया है और ये विरोध जो है वो सेना में जिस तरह से बहाली को लेकर जो मामला उठा है उसी को लेकर अब राजनीतिक पार्टियों की जो भूमिका है वो अब खुलकर सामने आ रही है। किस तरह से राजनीतिक पार्टियाँ अब छात्रों को लेकर राजनीति कर रही है और किस तरह से उन्हें भड़काने की कोशिश कर रही है वो तस्वीर दिख रहा है। ये देखिए डाक बंगला चौराहा है ये और यहाँ पर बड़ी संख्या में चूँकि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक पटना में यहाँ पर होता है और ऐसे स्थिति में ऐसे हालात में जो छात्र का जो ये आंदोलन है उसे भड़काने की कोशिश राजनीतिक पार्टी के तरफ से हो रही है। पप्पू यादव यहाँ पर खुद है, देखिए आप सामने जो दिख भी रहा है आपको पप्पू यादव यहाँ भीड़ के बीच यहाँ पर है। हम एक बार बात करते हैं पप्पू यादव से, आखिर क्या वन नेशन वन रोजगार, 16 करोड़ रोजगार गायब, 33 करोड़ लॉकडाउन के बाद रोजगार गायब, कोई सब कुछ असर्टेन। पप्पू जी तोड़फोड़ जो हो रहा है उसको कहां तक जाए सर, उसको रोको ना। हिंदू मुसलमान में तोड़फोड़ हुई थी ना, मरे थे ना लोग मंदिर मस्जिद में, नूपुर के बाद हिंसा हुई ना, मंडल के बाद हुई थी ना, मंडल के बाद क्यों? मैं बोलूंगा आपको कि कल जो गरीब लोग प्रताड़ित हुए, जो गरीब लोग सफर कर रहे हैं, आम लोग ही सफर कर रहे हैं, घंटों इंतजार करना, ये लाखों करोड़ों बच्चे कौन है इस कंट्री में? 67 लाख नौकरी जो गायब कर दिया है वो कौन है ये आप हमको बताओ ना। रेलवे को जलाना क्या जायज है? नहीं, एकदम जायज नहीं है। सभी बीजेपी के एमएलए मंत्री झंडा मत उतारिए और जाइए और जा करके नौजवानों को बताइए वीर के बारे में। आप ही तो बदलाव करते जा रहे हो, कभी 23, कभी 22, कभी 21, कभी आरक्षण आप ही तो करते जा रहे हो। अब 10% आरक्षण की बात कर रहे हो, अरे यार क्या हम अब आर के सिन्हा के आगे नौकरी करेंगे? 23 साल के बाद मेरा ब्याह होगा बोलेगा नौकरी चली गई, ब्याह नहीं होगा। लेकिन बीजेपी नेताओं पर हमले भी हो रहे हैं, ये उचित? बीजेपी नेताओं पर हमले ठीक नहीं है सर। बीजेपी नेता नौजवानों के बीच जाए ना, झंडा क्यों उतार रहे हैं? ये जो उपद्रव कर रहे हैं उनको क्या संदेश सर? हिंदू मुसलमान वाले जो दंगा करवाते हैं ये सत्ता के लिए बीजेपी और RSS, उनसे पूछो ना, हमसे ना पूछो। हरियाणा में जो आत्महत्या हो रही है उनसे पूछो ना, पूरे देश में आत्महत्या हो रही है उससे पूछो। तो देखिए पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में उनके समर्थक हैं, वो भी हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये डाक बंगला चौराहे पर चूंकि सुबह से यहाँ पर पुलिस की तैनाती थी ताकि यहाँ पर किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन ना हो, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर देखिए ये डाक बंगला चौराहे पर पहुंच गए हैं। पप्पू यादव की पार्टी जो यहाँ पर है जन अधिकार पार्टी, उसके जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हैं और जो सियासत लगातार जो टाइम्स नाउ नवभारत बात उठा रहा है कि जो छात्र का जो ये आंदोलन है अब उसको हाईजैक किया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों के तरफ से और उसकी जीती जागती तस्वीर ये है कि किस तरह से अब राजनीतिक पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट खुलकर सामने आ रहा है। अब तक जो कह सकते हैं बैकअप दिया जा रहा था इस आंदोलन को, उसे अब खुलकर सामने से दिखाया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, लेकिन इसका जो दुष्परिणाम हो रहा है वो देखने वाली बात है। जिस तरह से सरकारी संपत्तियों का नुकसान हो रहा है, राजनीतिक जो नेता है खास करके बीजेपी के जो नेता है उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके घर पे हमले किए जा रहे हैं, इसको कहां तक जायज ठहराया जा सकता है? जो नुकसान हुआ है और जो आम लोग परेशान है, क्योंकि आज भी जो रेलवे स्टेशन है पटना रेलवे स्टेशन या इस तरह के जो भी रेलवे स्टेशन है वहां पर हजारों की संख्या में यात्री फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या जिम्मेदारी ये राजनीतिक पार्टी लेंगे? ये तमाम ऐसे सवाल है जो कि सोचने की बात है। जबकि जो छात्रों के लिए जो ये स्कीम शुरू की गई है उसमें कई अमेंडमेंट भी किए गए हैं और छात्रों तक सही मैसेज दिलाने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर देखिए इस तरह से छात्रों को बरगलाया जा रहा है और जो जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता और नेता है वो इस तरह से सड़कों पर उतर गए हैं। जी प्रिया आप दिखाए वहां पर साकेत, क्योंकि आपने पप्पू यादव से भी बात करने की कोशिश की और जो बातें वो कह रहे थे, देखिए वो पॉलिटिक्स तो कर रहे थे लेकिन उससे मतलब नहीं है, जो सवाल वो उठा रहे थे उससे मतलब है पूरे देश की जनता का, अभ्यर्थियों का खास तौर पर। उन्होंने बोला कि जो 4 साल के बाद बेरोजगार होंगे उसका क्या? तो क्या जो सरकार मैसेज दे रही है वो मैसेज इन नेताओं तक नहीं पहुंच पा रहा है, उन अभ्यर्थियों तक नहीं पहुंच पा रहा है? क्योंकि सबसे बड़ी चिंता यही है कि आपने इस योजना के तहत नौकरी तो 4 साल कर ली लेकिन उसके बाद क्या होगा?
नेता इन्फॉर्मेशन जो है साथ साथ